भगवान शिव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। शास्त्रों में बताया जाता है, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से सावन के महीने में शिव की पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण मंदिरों के कपाट अभी भी श्रद्धालुओं के लिए बंद हैं, जिसका असर छोटी काशी मंडी में स्थित सभी मंदिरों में इसका असर देखने को मिल रहा है। 20 जुलाई को सावन के पहले सोमवार को भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की हाजिरी न के बराबर रही। वहीं इस वर्ष मंदिरों में लगने वाले भंडारे पर भी रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं को मंदिर के बाहर ही पैकेट में ही भंडारे का प्रसाद दिया जा रहा है। शिव भगवान की कृपा के लिए श्रद्धालु सोमवार का व्रत रख विधि विधान से पूजन अर्चन करते हैं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस से उन्हें बचाने के लिए शहर के सभी शिवालयों को बंद रखा गया है। शिवालयों में पूजन अर्चन, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक सहित किसी भी तरह के अनुष्ठान पर रोक लगाई गई है। एकादश रुद्र मंदिर के पुजारी स्वामी संत सुंदरम ने बताया कि बाबा भूतनाथ मंदिर में सावन माह के शुरू होते ही विधिवत पूजा अर्चना की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण शिव मंदिरों में पूजा अर्चना, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक एवं किसी भी तरह के अनुष्ठान पर रोक लगाई गई है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष भंडारे पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को भंडारे का प्रसाद मंदिर के बाहर ही वितरित किया जा रहा है। श्रावण मास भगवान शिव का विशेष मास माना जाता है। उसमें जो है भगवान शंकर की थोड़ी सी पूजा अर्चना भी की बहुत मानी जाती है, क्योंकि भगवान शंकर जो है अवनरदानी उनका नाम है। अवनरदानी बहुत जल्दी जो प्रसन्न होने वाले वो भगवान शंकर है। एक भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जो विष पी करके, हला हल विष पान करके और जो है अमृत जो है सारे जगत को बांटते हैं, वो भगवान शंकर ही है। परंतु इस बार जो है कोरोना की बीमारी के कारण से जो है सारे विश्व में जो है बहुत एक अशांति बनी हुई है। लोगों में वो हर्षोल्लास नहीं, अब सावन के प्रति जो है मंदिरों में आना जाने में दिक्कत, भय भय का वातावरण जैसा बना हुआ है। और सबसे बड़ी यही बात है, हम जो समझते हैं मतलब उसमें, कि इस युग में जो है सबसे ज़्यादा महिमा जो है नाम की है। नाम से सब आदि व्याधि का जो है नाश करने वाले भगवान शंकर ही है। एक नाम जो है भगवान शंकर एक ऐसे देवता है जो जब समुद्र मथुन हुआ था तब भगवान शंकर ने जो है सारा जगत में ऐसी त्राही त्राही मची हुई थी उस वक्त भी कि विष पान कौन करेगा। कोई भगवान शंकर ये ऐसे देवता है जिन्होंने जो है वो सारा जो है विष पान किया था और सारे जगत को जो सुखी किया था, सारे जगत को खुशियाँ दी थी। तो आज भगवान शंकर का ये मास है, जितना भी हो सके भगवान शंकर का उठते बैठते जो है चलते जो है ओम नमः शिवाय का जो है जाप जो है सभी को करना चाहिए। उसमें सबका कल्याण है और भगवान शंकर सबकी रक्षा करने वाले हैं। इस बार भंडारे में जो है डिब्बे जो है पैक करके जो है मंदिर से बाहर दिए जा रहे हैं और सोमवार को थोड़ा बहुत हल्का सा निमित्त मात्र जो है खीर का प्रसाद ही बनाया जा रहा है, क्योंकि भगवान शंकर को भोग लगाना होता है। भगवान शंकर को जो है खीर बहुत पसंद होती है, इसलिए थोड़ा सा जो है जहाँ 5-5 क्विंटल की खीर बनती थी वहाँ 50 किलो की 100 किलो की ऐसे थोड़ा सा रखा हुआ है, ताकि प्रसाद थोड़ा हल्का सा सब लोग कर ले। तो सब लोगों से यही है कि भगवान शंकर के जितने भी हो सके इस मास में जो है ओम नमः शिवाय का जो है जाप करते हैं। आपको बता दें कि पूरे विश्व में कोरोना संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। भारत में भी इसकी रोकथाम के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए गए हैं। देश के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं राज्य सरकारें भी कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिशों में जुटी है, जिसके चलते प्रदेश के कई धार्मिक स्थलों को भी बंद करवा दिया गया है। सावन के महीने में छोटी काशी मंडी के मंदिरों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती थी, लेकिन वायरस के चलते भक्तों के मंदिर में प्रवेश करने पर रोक लगाई गई है।